हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। प्यून का फोटो शूट हो रहा था और काफ़ी प्यारा लग रहा होता है। वैसे इस सीरीज में मुझे एक पीच और दूसरे नंबर पर प्यून बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कौन से करेक्टर अच्छे लगते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब वो फोटो शूट ख़त्म कर लेता है तो वो मैसेज करता है कौन को कि तुम कुछ खाना चाहोगे, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता। और हमें दिखाते हैं कौन होस्ट से मिलने गया होता है, जहाँ पे वो एक प्रपोजल लेके आई होती है मूवी का। उसे स्क्रिप्ट देती है कि तुम्हें यहाँ पे जाके ऑडिशन देना होगा, जिस पे कौन सवालों की बौछार करते हुए कहता है ये स्क्रिप्ट कैसी है, मूवी का जैनर क्या है, इसका डायरेक्टर कौन है और प्रोड्यूसर कौन है, इसमें मेरा रोल क्या होगा। जिस पे होस्ट बताती है ये रोमांटिक कन्वर्सेशन मूवी है और ये डीप फीलिंग के साथ की जाएगी, तुम मेल लीड के फ्रेंड हो गए। जिसपे कौन कहता है मेरी लीड का क्या, और वो बताती है कि उसको पहले कास्ट कर लिया गया है, उसे ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कहता है कौन है वो, क्या वो मुझसे ज़्यादा फेमस है, क्या वो इतना जानने वाला है कि उसे ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी कंपनी से है क्या, हाँ बताओ मुझे, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं बचपन से ही स्टार रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, फिर भी मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। उसे ऑडिशन देना नहीं पड़ा, सिर्फ एक मेल लीड के फ्रेंड के लिए मुझे ऑडिशन देना होगा, मैं नहीं करूँगा ये। और वहाँ से चला जाता है और काफ़ी गुस्सा करता है, ड्रंक भी हो जाता है। जब वो ड्रिंकिंग कर रहा होता है मिंत्रा उसके पास आती है और कहती है तुम इस तरह से अपने आप को बनाना चाहते हो, हाँ तुम्हें पता भी है तुम एक फेलियर की तरह लग रहे हो, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना और सारा दिन उसी के अंदर पड़े रहना। कौन कहता है कि तुम चुप नहीं कर सकती क्या, मिंत्रा कहती है कि तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए मैं कैसे चुप कर सकती हूँ, तुम्हें पता है तुम कैसे हो, तुम ऐसे हो जो कि हर किसी के शैडो के नीचे रहते हो और कभी अपने आप के बारे में नहीं सोचते और खुद को फ्री करने की कोशिश नहीं करते। कौन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह से हूँ, तो तुम भी इसी तरह से हो, कभी भी तुमने मेरे बारे में केयर नहीं की, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, मैं चाहे जितनी भी मेहनत करता था मेरी हालत ख़राब हो जाती थी पर तुमने कभी मेरे से अच्छे से बात नहीं की, हालांकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। तुम्हें पता है क्या, तुमने कभी भी मुझे प्रेज नहीं किया, मुझे इनकरेज नहीं किया, जब मैं टायर्ड हो जाता था कभी तुमने मुझसे नहीं आके पूछा कि तुम कैसा फील कर रहे हो, बस यही तुम हर वक्त कंप्लेन करती रहती थी, जिसकी वजह से मैं अपने आप को ये सवाल करने पर मजबूर हो गया था कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है, रीजंस क्या है हमारे रिलेशनशिप के इतने रहने के। कहता मुझे नहीं पता कि मेरा लव तुम्हारे लिए कब से ख़त्म होने लगा। मिंत्रा कहती है तो तुम इसमें अच्छे हो, तुम ये करना चाहते हो, हाँ मैं चाहती थी कि तुम एक बेटर इंसान बनो और तुम इस तरह से मेरे से बात कर रहे हो, हाँ ये सब कुछ उस पिविन की वजह से हुआ है। कौन कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, मिंद्रा कहती है अगर वो ना आता तो तुम शायद इस तरह से ना बिहेव करते और तुम इसी तरह से हो गए हो। कौन कहता है जो सब कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, तो अभी निकल जाओ यहाँ से। वो नहीं जा रही होती तो वो गुस्से में से कहता है निकल जाओ मेरे रूम से, पर वो नहीं निकलती। कौन कहता है कि अगर तुम नहीं जा रही तो ठीक है, और वो खुद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो बाहर एरिया में बैठा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है। प्रिविन उसके पास आता है, कहता है तभी मैं सोचूं कि सारा दिन तुम कहाँ पे थे, सारा दिन तुम यहीं पे थे है ना, और फिर वो कहता है मेरे साथ खाना खाने चलोगे, पर आगे से कौन कहता है मैं नहीं जाता मेरा दिल नहीं कर रहा। प्रिविन उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा क्या, या फिर तुम कुछ और खाना चाहते हो। कौन उसकी तरफ देखता है और कहता है मेरे थॉट्स भी तुम्हारी तरह ही हैं। और हमें दिखाते हैं वो खाना खाने के होते हैं, जहाँ पे प्रिविन कहता है जितना मुझे याद है तुम्हें ये वाली डिशेज बहुत पसंद है ना, और कौन हैरान होते हुए कहता है तुम्हें सब कुछ पता है जो मुझे पसंद है। वो कहता है हाँ मुझे पता है, और उसे कहता है मैं तुम्हें खिलाता हूँ। उसे खिलाते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारी सिचुएशन के बारे में। जहाँ पे वो बैठे होते हैं वहाँ पे गन की काफ़ी सारी तस्वीरें होती हैं और कौन उनकी तरफ देखता है और काफ़ी सैड हो जाता है, और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ अपने आप को दूसरों की शेडो से निकालने की कोशिश करूँ, क्या मैं सच में एक अच्छा एक्टर हूँ, क्या मैं एक्टर कहलाने के लायक हूँ, तुम्हें क्या लगता है। प्रिविन कहता है तुम इस तरह से क्यों सोच रहे हो, तुम एक एक्सलेंट एक्टर हो और तुम हमारा वर्क बहुत ही डेडिकेट होता है, तुम अपने काम में बहुत ही मेहनत करते हो। जिस पर कौन हैरान होते हुए कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, प्रिविन कहता है हाँ तुम बहुत ही अमेजिंग हो। जिस पर कौन कहता है आज तक मेरी किसी ने इसी तरह से तारीफ़ नहीं की और मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, तुम पहले हो वो। प्रिविन कहता है दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, हम हर किसी को तो इम्प्रेस नहीं कर सकते ना, हाँ कोई तुम्हें पसंद करता होगा और कोई तुम्हें पसंद नहीं करता होगा, कोई एडमायर करता होगा और कोई नहीं करता होगा, और तुम्हें सबको इंजॉय करना चाहिए जो तुम्हें एडमायर करते हैं। कौन कहता है तुम समझ सकते हो कि ये मेरा पैशन है, पर मुझे नहीं पता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसे फील होता है जैसा कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है इन चीज़ों पर। और प्रिविन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब मिंत्रा। तभी कौन कहता है हम ड्रिंक करते हैं, वो ड्रिंक करने लगते हैं और
प्रवीण कहता है तो मेरे साथ वॉक पे चलोगे क्या? तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और क्या पता तुम्हें कोई इनकरेजमेंट मिल जाए, है कि नहीं? और तुम्हारा पैशन भी सही रहे, तुम आना चाहोगे मेरे साथ? तुम्हारा स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाए, जो कि किसी की वजह से हो रहा है। जिस पे कौन कहता है कि ठीक है मैं इसको ट्राई करता हूँ, और पिविन कहता है मेरे साथ तुम शूटिंग वाली जगह पे चलोगे ना? और वो हाँ बोल देता है। उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, और वो दोनों खाना खाते हैं। वो दोनों सेट पे जाते हैं जहाँ पे क्रू पूछती है तुमने खाना खाया है, जिस पे वो कहता है अभी तक मैंने खाना नहीं खाया और अभी पैकिंग कर रहा था, इस वजह से वापस आया। वो कहती है कि तुम बहुत ही फनी हो, और उसे कहती है कि तुम्हारे फैंस की तरफ से ये सारा खाना आया है तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। पिविन कहता है तो तुम लोगों ने खाना खाया क्या, और ये इतना ज़्यादा क्यों है? जिस पर वो बताती है हमने खा लिया है तो तुम लोग खा लो, और हमें कुछ काम है, हम यहाँ से चलते हैं। अब वहाँ से वो चली जाती हैं। पिविन कौन को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए तस्वीर क्लिक कर सकते हो मेरे फैंस के लिए, जिस पर वो ओके बोलता है और उसकी पिक्स क्लिक करते हैं। कौन कहता है कि तुम्हारे फैंस इतना ज़्यादा खाना भेजते हैं तुम्हारे लिए? हाँ, जिस पर पिविन बताता है कि ये मेरे फैन क्लब की तरफ से है, और जब भी मैं कोई सेट या इवेंट अटेंड करता हूँ तो वो मेरे लिए खाना भेजते ही रहते हैं। उसे कहते हैं तुम भी मेरे साथ खा लो। तभी हमें मिंत्रा दिखाते हैं जो कि सेट पे गई होती है किसी भी, और उसकी शूटिंग होती है। वो कौन को कॉल करती है, पर वो आगे से जैसे उठाता है वो उससे सवालों की बौछार कर देती है कि तुम कहाँ पे हो। कौन कहता है मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और वो उससे पूछती है कैसा काम, क्या बात है बताओ मुझे। आगे से वो कहता है कुछ काम, मैं बाहर आया हुआ हूँ। वो कहती है तुम विभिन्न के साथ हो क्या, पर वो कोई जवाब नहीं देता। और आगे से वो कहता है तुम इस पॉइंट पे पहुंच गए कि तुम लोग इकट्ठे भी जाने लगे हो अब। और फिर वो कहती है तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या? हाँ, पर वो कॉल कट कर देता है, जिस पे वो बहुत ही गुस्सा करती है। और तभी कौन पिविन को कहता है मुझे अभी जाना होगा। पिविन कहता है लेकिन क्यों, तुम मिंत्रा की वजह से जा रहे हो, जिस पे वो हाँ कहता है। और आगे से कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, हाँ वो हर बार तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करती है। और फिर वो कहता है अभी जाओ या बाद में जाओ सभी सेम होगा, क्योंकि वो तुम पे सेम ही गुस्सा करेगी, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ ना प्लीज़। और उसे प्लीज़ बोलता है, तभी वो मान जाता है। हमें दिखाते हैं मिंद्रा काफ़ी गुस्से में बैठी होती है। कौन आता है, वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पे गए थे, जिसमें वो कहता है मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था। वो कहती है बताओ मुझे तुम कहाँ पे गए थे और तुमने अपना फ़ोन क्यों बंद कर दिया था। जिसमें वो बताता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, और वैसे भी मैं अभी टायर्ड हूँ तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता और मुझे अभी सोना है। पर वो आगे से कहती है मैंने जो पूछा है मुझे वो जानना है, तुम कहाँ गए थे, फिर से वो पूछती है। कौन कह देता है कि मैं पिविन के साथ गया था, अब खुश हो तुम? पर मिंता कहती है कि मैंने सही गैस किया था। कौन कहता है तुम्हें पता है मैं पिविन के फिल्म सेट पे गया था, मैं उसके प्रोड्यूसर से मिला, डायरेक्टर से मिला, क्या पता मुझे वहाँ पर कोई जॉब मिल जाए। और आगे से कहता है कि तुम्हें पता है क्या, वहाँ पर मैं गया था और फिल्म सेट पर सब लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, सब ने मुझे अटेंशन दी थी, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। जिस पर मिंत्रा कहती है कि तुम इस तरह से चाहते हो, हाँ ये सब कुछ चाहते हो, फिर मैं भी तुम्हें बताऊँगी कि मेरे पास कितने रास्ते हैं तुम्हें लाइन पे लेके आने के लिए। और मैं दिखाते हैं, वो कॉल करता है पिच को और सवाल उसे पूछता है कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना पिच, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी, कितनी लगी है, सीरियस तो नहीं है, और तुम कहाँ पे हो, जो लोकेशन भेजो मैं तुम्हें आके पिक कर लूँगा। लेकिन आगे से पिच कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और मैं गन के अपार्टमेंट में हूँ। जो कहता है मुझे लोकेशन भेजो मैं तुम्हारे लेने के लिए आ रहा हूँ, पर पिच कहता है कोई ज़रूरत नहीं है मैं ठीक हूँ, फिर से तुम्हें डांटा जाएगा अगर तुम यहाँ पे आओगे तो। जो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे बस लोकेशन भेजो मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। जिस पर पिच कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कहीं काफ़ी लेट हो चुका है और काफ़ी बुरे लोग भी बाहर घूम रहे होते हैं, तुम बाहर आओगे तो ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा और तुम्हारे लिए परेशानी होगी। जिसमें वो ओके बोल देता है, और फिर वो कहता है सुबह मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा फिर। तभी इधर से गन से मोबाइल ले लेता है और जवाब देते हुए कहता है तुम्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह टाइम इसे छोड़ दूंगा। आगे से वो जो पिच को कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। तभी पीछे से विया और वियू आते हैं और पूछते हैं पिच कैसा है, वो बताता है कि वो गन के साथ है। विया कहता है फिर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो गन के साथ है, उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। विया कहता है हाँ हमें परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं। जो कहता है तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं, जब भी पिच गन के साथ होता है कुछ ना कुछ उसके साथ हो ही जाता है। जिस पर वियू कहता है हाँ ये बात भी सही है, मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ, लेकिन गन एक अडल्ट है और उसका अच्छे से ख्याल कर लेगा और हैंडल कर लेगा। जो कहता है कि पिच को चोट भी उसी की वजह से लगी थी, और वो ऐसे ही बैठे होते हैं। जहाँ पे भी यह कहता है फिर भी हमारे पास एक चीज़ कम टेंशन लेने की है कि गन अब उसका ख्याल रख लेगा, और वो किसी को मैसेज करता है जो, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।